बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर आदमी कामयाब होना चाहता है, कामयाबी चाहता है, और कामयाबी के बहुत से ऐसे मतलब स्टेप है, मतलब इलम हो गया या कोई और मिशन हो गया। लेकिन ज़्यादातर जो दुनिया में लोग कोशिश करते हैं वो पैसे की तरफ गामजन है, यानी अक्सरियत लोगों का पैसों की तरफ है। बेशक वो किसी भी कंट्री से हो, बेशक किसी भी रिलीजन से हो, लेकिन वो दुनिया में पैसा कमाने का ख्वाब देख रहा होता है। बेशक गरीब हो या दरमियाने तबके का हो या जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, वो भी पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को रिस्टोर यानी जमा करने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये आम लोगों के लिए है, हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए, कि अपना गुर्बत को दूर करना है या अपना छोटा सा कैपिटल है उनके पास, उसको बढ़ाना है, अपना रोज़गार को, दुकान वगैरह, या कोई जॉब हासिल करना चाहता है, या कोई इस किस्म का ऐसा छोटा मोटा जो लोग होते हैं, ये टॉपिक उनके लिए ख़ास तौर पे बनाया गया है। कुछ 4-5 लेसन्स को हम इकट्ठा करके आपको ये बता रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, अमीर लोग कैसे अमीर हो जाते हैं, और जो खुशकिस्मत जिनको कहते हैं, वो उनका जो किस्मत है वो कैसे बढ़ता है और कैसे वो कामयाबी हासिल करता है। मैं चंद सवाल आपसे पूछता हूँ और इसका जवाब आप मुझे मत दीजिए, अपने दिल में और अपने आप से ये पूछिए कि ये आया मुझ में है, या ये हकीकत जो है, दुनिया की जो हकीकत है उस पर मबनी ये रिपोर्ट जो आपके दिल में खुद ब खुद उभरेगा अगर मैं आपसे पूछूंगा। सबसे पहले मेरा ये सवाल है, अगर आपका शादी हो चुका है, शादीशुदा है, आपके बच्चे हैं 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी, और आप अपने लगन में है कि मैं पैसा कमाऊं, तो आप ये सोचिए कि आपके जो बच्चे हैं, क्या वो आपके बच्चे आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या आपसे बढ़कर कोई और मोहब्बत करता है? आपसे आपके बच्चे आपसे ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या आपसे बढ़कर किसी और से मोहब्बत करते हैं? अगर वो आपसे मोहब्बत कम करते हैं और अपने आपके घर में कोई और है जो उससे मोहब्बत करता है, तो बच्चा आपका है, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल जो ये है कि इसी के साथ सवाल के साथ है कि फर्ज़ करें अगर आपने शादी नहीं की है, आप जवान हैं, 20 साल, 25 साल, आपका 30, जितना भी एज है आपका, क्या आपका जो माँ बाप है दोनों है या एक है, तो अगर उनका आपको पता है कि आप उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है और कितना मोहब्बत है, वो आपसे खुश हैं या आपके अलावा आपके जो माँ बाप है वो आपसे ज़्यादा मोहब्बत किसी और से करते हैं, और वो क्यों करते हैं? ये दो सवाल एक ही बनता है, जो शादीशुदा है और गैर शादीशुदा है, बच्चों से रिलेशन है या माँ बाप से रिलेशन है, ये वो साहिब औलाद है या ख़ुद वो किसी का औलाद है। दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा, कि ये दोनों सवाल एक ही हो गए, अब मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ आपके, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा कोई वक़्त आ जाए कि मैं जो ज़िंदगी है जो मैं गुजार रहा हूँ, मैं इससे कोई अच्छे अच्छे काम करूँ, यानी पिछला जो आपका ज़िंदगी है जो गुजरा है, आपने समझ लो कि कुछ भी नहीं किया, आपने तालीम पढ़ा, आपने कोई और काम किया जैसा भी है, तो आपने कभी ये महसूस किया है कि जो मेरा पिछला ज़िंदगी है उससे बेहतर ज़िंदगी कैसे गुजारा जाए? बेहतर ज़िंदगी का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे गैर ज़रूरी काम, गैर कानूनी काम या गैर रस्मी काम जो आप करते रहते थे और फजूलों, और उसी की तरफ कभी आपने ये सोचा है कि मैं उसको रद्द कर दूं और कोई अपनी ज़िंदगी को अब बेहतर कर सकूँ और अपना जो लेवल है उसको मैं ऊपर लेके आऊँ, अखलाकी तौर और यानी हर किस्म का जो
इंसान के साथ रिलेशन रखता है उसमें कोई भी फील्ड हो, तो अगर आपका माइंड उस तरफ नहीं है, आप पीछे सोचते नहीं है कि मैंने जो ज़िंदगी गुजारी है पहले वो बेकार गुजारी है, क्योंकि मैं आज तक ही मैं कोई तरक्की नहीं कर सका, और वजह क्या है ये आप खुद सोच लीजिए, और अपने दिल में ये सवाल करें अपने साथ के, अपने दिल से, अपने मन से, कि आया ऐसा क्यों है और इसका हल क्या है। जो तीसरा जो आखिरी सवाल है वो यह है कि बहुत ज़रूरी है ये सवाल, और ये आपके आने वाली ज़िंदगी में बहुत असर करेगा अगर आप इसकी तरफ मायल हो गए और इस तरफ आपकी सोच और इरादा बना। जिस तरह बड़े बड़े लोग या कमज़ोर लोग, आपने माशरे में सब लोग देखे होंगे कि कोई लोग एनजीओस को, खैराती इदारों को, या एडी को, शौकत खानम हॉस्पिटल को, या अपने घर, अपने इलाके में कोई गुरबा को, यानी कोई ना कोई ऐसा गरीबों के लिए कोई इरादा आपके मन में है, आपके दिल में है, यार मैं अगर कुछ पैसा कमाऊँ या मैं बेहतर हूँ तो मैं कुछ, यानी किसी के लिए, किसी दूसरे के लिए कुछ कर सकूँ, कभी आपने ये सोचा है, या आपने कभी इरादा किया है, कभी आपने ये ख्वाहिश का इजहार किया है अपने दिल से कि आया जो मेरे पास है, मेरा अभी सरमाया नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, मैं अमीर हो जाऊँ और मैं उसमें से कोई 10%, कोई 20%, कोई 5%, कुछ भी हो, मैं कोई ऐसा नेक काम कर सकूँ जो गुरबा में है, या मदारिस में है, या कोई मसाजिद में, या जिस तरह भी लोग, यानी आपका मन में कुछ इरादा है। अगर आप ये तीन सवालों का जवाब अपने दिल से पूछे, और इस बारे में आप ज़रा ध्यान से फैसला करें, और आप अपनी ज़िंदगी को जो आपका बेहतर करने का जो तरीका है वो आपका आपके हाथ में है। अब ये है कि मुआशरा भी है, कि घर में भाई भी है, बहन भी है, और छोटे बच्चे भी है, आपके भाई के बच्चे हो सकते हैं, आपके बहन के बच्चे हो सकते हैं, या आपके खाला के, या आपके पुप्पी के, या आपके छोटे भाई हो सकते हैं, कोई भी आपका रिश्तेदार में हो, हमसायगिरी में भी हो सकते हैं कोई आपके गरीब लोग, या आपके कोई दूर के रिश्तेदार, या आपका कोई जानने वाले जिनका जो बेबस है, और वो भी जो है ना कोई अपना, अगर उसको किसी चीज़ का अगर ज़रूरत पड़े, या वो लोग आपसे खुश है कि नहीं, ये मजमूए के बाद में ये आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि जो माशरा है आपके इर्द गिर्द लोग वगैरह, और वो लोग आपसे यानी कोई नाराज़ लोग है, वजूहात क्या है, और आप में ऐसी क्या कमी है। तो जब ये मसाइल हल हो जाते हैं तो आदमी के ऊपर दुनिया के जो दरवाजे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली खुलना शुरू हो जाते हैं हर तरफ से। जब दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं तो फिर आप अपना बेहतर सा, बेहतरीन रास्ता और बेहतरीन दरवाज़ा आप चूज़ करें, और उसमें से आप निकल जाए, और निकल कर दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस किस्म की वीडियोस, रोज़गार और नई आइडियाज़ के बारे में हम आपको वीडियो देते रहते हैं। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद है तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक मिलती रहे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। खुदा हाफ़िज़।